सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि हम आए हुए हैं आरा, और आरा आए और सबसे पहला काम होता है मेरा शॉपिंग, क्योंकि मेरे को शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शॉपिंग का आज हम शॉपिंग वाला मतलब नहीं जाने वाले थे मॉल वगैरह, लेकिन एक चीज़ सोचें कि आज थोड़ा सरप्राइज दे देते हैं किसी को। वो बताएंगे नहीं, है ना, ब्लॉग देखते रहिए, किसी को सोचे कि सरप्राइज दे देते हैं। तो चलिए चलते हैं और कुछ कुछ खरीदना है वो भी खरीद लेते हैं। दूसरे मायका मतलब नागर मॉल, हाँ एकदम, वहाँ ना जाओ तो लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। तो कुछ कुछ सामान भी ले लेंगे, तो चलिए चलते हैं। बाकी मेरा लुक कैसा लग रहा है बताइए। चलिए सो गाइस, फिर यहाँ पे हम और शिवानी दोनों निकल गए सरप्राइज देने के लिए। साथ में सोचे कि हम जो जो मार्केटिंग करना है, शॉपिंग करना है, वो भी हम लोग सोचे कि खरीद लेंगे। फिर यहाँ आ गए हम लोग मिठाई के दुकान पे, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ मिठाई लेके जाना था। तो यहाँ पे शिवानी मतलब अपने से चूज़ की कौन सा मिठाई लेके चला जाए, तो हम लोग वो यहाँ से पैक करवा लिया। और एक से एक मिठाई था, देख के बहुत अच्छा लग रहा था, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कौन सा लें और ले लिए। फिर आगे देखिए, तो गाइस जिससे मिलने जा रहे हैं सात समुंदर पार करके, तो सात समुंदर पार करके जा रहे हैं, तो उधर से भी तो कूद काद के आना है। तो यहाँ देख सकते हैं किसी की शादी भी थी, तो पूरा ऐसे पंडाल वगैरह लगा हुआ था और गीत भी गवा रहा था। फिर यहाँ हम पहुँच गए फाइनली, बट पहुँचने के बाद हो गया हमारा पोपट। तो देखते रहिए आगे, आपको देखने मिलेगा कि क्या हुआ। तो यहाँ पे गेट बजाएं और फिर देखिए, बहुत हंसी भी आया था। कब ले आई? सो गाइज, यहाँ पे मिठाई दिए मौसी को और यहाँ तन्नू को सरप्राइज देने के लिए गए हैं ताकि वो खुश हो जाए, बट वो थी ही नहीं। तो हो गया मेरा पोपट बहुत बड़ा वाला। सो गाइज, आए थे कि तन्नू को सरप्राइज देने, लेकिन मौसी को सरप्राइज देके जा रहे हैं, क्योंकि तन्नू कॉलेज गई हुई है। और फिर भी वेट किए हैं, डेढ़ घंटा वेट किए हैं, बट वो अभी तक नहीं आई। डेढ़ घंटा नहीं, हम लोग 1 बजे तक, कितना बज रहा है, ढाई से ज़्यादा हो गया ना, ढाई से ज़्यादा मतलब 2 घंटा होने वाला है। तो अब हम नहीं कर सकते इंतज़ार, क्योंकि अब मेरे को काम भी है। तो अब हम जा रहे हैं, निकलेंगे अब हम, क्योंकि अभी तक वो नहीं पहुंची है घर। तो जा रहे हैं क्योंकि अभी कुछ कुछ शॉपिंग करना था जैसा कि बताएं, और फिर कहीं जाना है, तो वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कि कहाँ क्या जाना है। तो अभी चलते हैं, ठीक है, और शिवानी को दिखाते हैं क्या कर रही है, जाने के लिए रेडी हो रही है। हम तो रेडी हैं जैसे थे वैसे, ठीक है। हेलो, तू क्या पूछ लो ना, पहने फोन कर लेट हुई। तो यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका था हमको, काफ़ी लेट कॉल पे कॉल आ रहा था क्योंकि कहीं जाना था। इसी ब्लॉग में ऐड कर दिए हैं कि कहाँ गए हम लोग फिर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जाने का तैयारी हो रहा था, और यहाँ मौसी मौसी गानी को देखी, सिंदूर कर दो। जब भी आते हैं ना तो इस तरीके से मौसी मेरा विदाई करती हैं, सिंदूर करती हैं और खोइचा भी देती हैं। तो यहाँ पर शिवानी जो है सिंदूर की और फिर खोइचा भी दी। और मेरा ये सूट कैसा लग रहा है बताइएगा, मेरा फेवरेट सूट है ये, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और मेरे को ऐसा लगता है खुद से कि हम जैसे आसमानी कलर में ना अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो मेकअप कर देते हैं बताइएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से, बहुत मेरे मन में हलचल हड़बड़ी चल रहा था कि जल्दी से घर पहुँचते हैं, जल्दी से घर पहुँचते हैं। शॉपिंग भी करना था बट नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी लेट यहीं पे हो गया था घर पे ही, तो वो भी काम नहीं हो पाया था। कहीं जाना था इसलिए इतना हड़बड़ी हो गया।
तो यहाँ पे मौसी खोइचा दी देख सकते हैं, तो इस तरीके से खोइचा दिया जाता है। तो यहाँ पे मौसी दे दी, मौसी का आशीर्वाद लिए और फिर निकल गए। देखिए कभी जुलना होता है कि तू जेबू टाटा फिर है, तो इसलिए दूर शादी हो जाने में ना यही दिक्कत हो जाता है। तो फिर यहाँ से निकल गए और यहाँ फिर जिसको सरप्राइज़ देना था वो मेरे को मिली रास्ते में। देख सकते हैं जैसे निकल गए थोड़ा दूर पे गए तो आ रही थी तन्नु मेरी मौसी की लड़की। तो फिर हम बोले कि जल्दी से जाना है, अब तो लेट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग दो चार मिनट बस बात किए, अच्छा हुआ कि मिल लिए, क्योंकि फिर रुकना नहीं था मेन मायके में ज़्यादा दिन इसलिए, और तन्नु को भी कहीं जाना था तो हम लोग का प्लान नहीं हो पाएगा मिलने के लिए। इसीलिए हम यहाँ तनु से बोल भी रहे थे कि कहीं जाना है इसलिए इतना हड़बड़ी में हैं हम। उसके बाद यहाँ से निकल के घर के लिए शॉपिंग तो नहीं हो पाया, तो यहाँ पे यहाँ पतिदेव के लिए लेके आए थे यहाँ मोमोज़। शिवानी बोली कि कुछ ले लो ब्रदर के लिए, तो उनके लिए मोमोज़ और स्प्रिंग रोल दोनों ख़रीद के लेके आए। शिवानी का ये आदत बहुत अच्छा लगता है मेरे को, वो बहुत ज़्यादा सोचते रहती है किसी के बारे में, घर पर कोई आया तो ये खिला दे वो खिला दे। तो यहाँ पे मोमोज़ वो बोली तो ख़रीद लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी स्प्रिंग रोल जो है वो भी लेके आए थे खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो शिवानी तो नहीं खाई, हम सब लोग खाए थे थोड़ा थोड़ा, भैया हम मेरे पतिदेव और मम्मी, बस एक मोमोज़ वो ज़्यादा नहीं खाती। उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकल गए, देखिए सासू माँ हैं और मेरे मामा ससुर जी हैं। तो फिर हम लोग मौसी जी के घर गए, आज हल्दी था तो हल्दी में भी बहुत सारा होता है रस्म। तो यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे खाना खा रहे थे हम सब लोग बैठ के, यहाँ देख सकते हैं सब लोग हैं, बुआ जी लोग बहुत सारे लोग सब लोग मिल के बना रहे थे, कुछ लोग खा रहे थे। और शादी ब्याह में ये सब काफ़ी अच्छा लगता है, हंसी मजाक में चलते रहता है। और ये मेरी ननद जी हैं, दीदी मामा जी, हम भी बैठ के खा रहे थे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सूट करने वाला कोई नहीं था, सब लोग खा ही रहे थे तो सूट नहीं हो पाया अच्छे से, थोड़ा बहुत खुद से ही ले लिए। सो गाइस अभी हम आए हुए हैं अपनी मौसी सासू माँ के घर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस शादी है मेरे जेठ जी का, जेठ जी लगेंगे क्योंकि बड़े हैं, बड़े भैया हैं मेरे पतिदेव के, बड़े भैया लगेंगे मौसी के बेटे। तो आज उनका हल्दी है, तो आ गए हैं, रेडी होंगे अब, और अभी आना था दूर से तो ये बस सूट पहन लिए। तो अभी हम दिखाते हैं आपको कि कौन सा हम साड़ी पहनने वाले हैं। वो ऐसे ही पैक करके लेके आ गए हैं, ये देखिए ये साड़ी पहनने वाले हैं हम, येल्लो कलर का ये साड़ी। इसका ब्लाउज भी बहुत खूबसूरत है देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत हेवी सा ब्लाउज है। तो चलिए पहनते हैं, बाकी आपको रेडी होके और हम फुल लुक दिखाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे हम सब लोग रेडी हो रहे थे, देख सकते हैं सब लोग येलो साड़ी पहन रहे थे, मेरी सासू माँ भी तैयार हो रही थी, सासू माँ भी रेडी हो रही थी और हम भी ये वाला साड़ी पहने थे। बताइएगा कैसा लग रहा है गाइज, और पहली बार ये वाला साड़ी पहने थे, और मेरे को तो ऐसे क्वार्टर बाजू फुल बाजू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वाला ब्लाउज़ इतना हेवी है ना कि बहुत सुंदर लग रहा था, थोड़ा सा लूज़ हो रहा था बट ठीक है सुंदर लग रहा था। मेरे को हेयर स्टाइल समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करें, क्योंकि बाल नहीं धो पाए थे, टाइम नहीं मिल पाया था, तो बहुत रफ जैसा हो गया था तो इसलिए झड़ा ही नहीं पा रहा था। यहाँ सासू माँ का हेयर स्टाइल कर दिए इस तरीके से, देख सकते हैं अच्छा लग रहा था। मेरा हेयर देख सकते हैं कितना ख़राब लग रहा है, बहुत रफ हो गया है बाल मेरा, तो इसलिए जैसे भी कर लिए थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी, मेरे साथ भी यही हो रहा था, ना सजने का मन कर रहा था ना संवरने का मन करता, ऐसे ही सिंपल जैसे रेडी हो जा रहे थे झट से, तो वही हुआ था। और यहाँ देख सकते हैं सासू माँ का हेयर स्टाइल इतना सुंदर लग रहा है ना, पीछे से बाल और आगे से भी देख सकते हैं इतनी सुंदर लग रही हैं। तो सब लोग धीरे धीरे करके और हम लोग तैयार हो गए, और अभी जो है ना कलसा शायद बोलते हैं उसको, वो उसका मतलब परिछावन होने वाला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं परिछावन स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे कलसा भी रखा हुआ है। आगे अगर गीत होगा ना तो हम ओरिजिनल साउंड में ही डाल देंगे गीत, और इसमें भी गाइस थोड़ा गाली गलौज होगा, हर जगह का अलग नियम अलग मजाक ये सब चलते रहता है, तो हमारे तरफ ऐसे ही होता है। तो अगर ओरिजिनल साउंड होगा गीत वगैरह तो हम ओरिजिनल साउंड में ही डाल देंगे। और ये जो ऑरेंज साड़ी में है वही मेरी मौसी जी हैं, मेरी सासू माँ की बड़ी बहन
तो उन इन्हीं के बेटे का जो है शादी है। तो यहाँ पे सब लोग देखिए खड़े हैं, सारे लोग अब परिछेंगे धीरे धीरे, और हम भी परिछे थे गाइज पहली बार। तो चलिए देखिए ब्लॉग को एंड तक ढेर सारा प्यार दीजिए, अभी और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारा इन्जॉय भी करिए और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और प्यारा प्यारा सा कॉमेंट भी किया करिए। सो गाइज एक एक करके जितने भी लोग हैं यहाँ सब लोग परिछेंगे, जितने भी सुहागन लोग हैं जिनका शादी हो गया है, और इस तरीके से परिछा जाता है। और पहली बार हम भी ये परिछे थे, मतलब मेरे जो जेठ जी हैं मेरे ससुराल साइड के, मतलब जमशेदपुर में जब रहते हैं तो मानर पूजे थे, ये सब किए थे, बट ये वाला नहीं परिछे थे। लेकिन यहाँ मेरे को ये परिछने को मिला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए देखिए कानूनिया चल लगाया कोई जाने ना, कानूनिया चल लगाया कोई जाने ना, गाया में गाजा धर मारे रामनगर के पार्टी कोई जाने ना, रेल के ड्राइवर मारे झोंके कोयला पानी कोई जाने परिचय। बाबा में दम दूल अपने तो करते बड़े फिर करवा अच्छा लगता।
कविता मौसी आवा दीदी लोग। सो गाइज एक एक करके जो भी बड़े थे सब परिच रहे थे और अभी दीदी लोग भी बाकी थी, उसके बाद हम परिचेंगे। तो ये वीडियो ना बहुत लंबा हो रहा था तो हम सोचे कि नेक्स्ट ब्लॉग में और सब कुछ दिखा देंगे एक ही ब्लॉग में, जो भी माटी कोड़ाया था, हल्दी, सब कुछ, मानर पूजा ना, सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।